बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिनते हवा हया का पैकर हुआ करती थी। इब्ने आदम की गैरत भी बिनते हवा के हुलिये, ड्रेसिंग अंदाज और करतूत घर से निकलने, पर्दे और बेपर्दगी से नापे तोले जाते थे। आज कहाँ नजर आ रही है बिनते हवा की हया? आज देखने को नहीं मिलती इब्ने आदम की गैरत। इस सब चीज़ को दोस्तों मॉडर्नपन भी कहा जा सकता है, जैसे कि हमारी सोच एक बनी हुई है। शायद आपको ये बातें धक्कियानुसी लगती हों कि इतनी कोई बुरी बात तो इस वीडियो में नहीं थी, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें देखने को मिल रही है। मगर गौर तो कीजिए कि क्या जेब देता है इस तरह बिनते हवा को एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हदूद पार कर जाना या वीडियो रिकॉर्ड ही करना? क्या ये भली बात है दूसरों के सामने खुद को पेश कर देना? क्या ये इब्ने आदम की गैरत पर एक ज़र्ब नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मफहूम कुछ इस तरह है कि एक औरत अपने साथ चार लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी, वालिद को, शौहर को, बाप को और भाई को। तो अल्लाह हमें महफूज रखे, कहीं उस लिस्ट में हमारा माशरा सारे का सारा ना आ जाए। क्योंकि ये बुराइयां अगर कोई कर सकती है, कोई कर सकता है, तो घरों तक, आम घरों तक, हमारे घरों तक पहुँचना नामुमकिन नहीं है, पहुंचती ज़रूर हैं। अल्लाह ना करे सभी इस रास्ते पर ना चल पड़े। इसी हवाले से प्लीज़ अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।